विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है। WHO का अनुमान है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 47 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में मौत के आंकड़ों पर बड़ा दावा किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या प्रामाणिक और सही है। लगभग 25,600 मौतें हुई हैं और उनमें से प्रत्येक की गिनती की जा चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में एक भी मौत के आंकड़ों में हेराफेरी नहीं हुई है। WHO ने जारी किया आंकड़ा। WHO ने गुरुवार को कहा था कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है। उसने अनुमान जताया गया था कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 47 लाख लोगों की मौत हुई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1.33 करोड़ से लेकर 1.66 करोड़ लोगों यानी कि 1.49 करोड़ लोगों की मौत या तो कोरोना वायरस या स्वास्थ्य सेवा पर पड़े इसके प्रभाव के कारण हुई है। WHO की महानिदेशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने इस आंकड़े को गंभीर बताते हुए कहा है कि इससे देशों को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।